शेयर्स. सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स. जो कैपिटल होता है कंपनी का वो शेयर्स में डिवाइड होता है. द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर. जो भी कंपनी के शेयर होते हैं वो फ्रीली क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इन फ्रॉम द बाय द शेयर्स बाय द मेंबर्स. सो अ शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विदड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर्स. ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर है जो वन हु होल्ड द शेयर्स, सो दे कैन विथड्रॉ हिज मेंबरशिप. वो अपनी मेंबरशिप को क्या है, कंपनी से विदड्रॉ भी कर सकते हैं बाय सेलिंग हिज शेयर्स. जितने भी उन्होंने शेयर्स को परचेज किया है कंपनी के, उसको वो सोल्ड आउट करके अपनी वो शेयर्स होल्डर क्या कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप को विथड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, सो द शेयर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी ईजली ट्रांसफर्ड. जो प्राइवेट शेयर जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो क्या होता है, वो ईजली ट्रांसफर्ड नहीं हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल. सो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर्स होल्डर. जो भी कंपनी फॉर्म होता है बिजनेस का, वो कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ ओन्ड बाय द शेयर्स होल्डर. शेयर होल्डर उसको ओन करते हैं. दी शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एक नहीं बहुत सारे वो क्या होते हैं डायरेक्टर्स का, जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन, हु आर कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. जिन्हें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है. द डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज एज वेल एज कंट्रोल करते हैं बाई अपॉइंटिंग द प्रोफेशनल एक्सपर्ट. कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट को भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड. जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की जो कंपनी के, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी. उस एक्सटेंट तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितना उन्होंने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन देयर बिजनेस कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10 रुपीज़ ईच, देन हिज लाइबिलिटी इज अप टू 10,000. कि किसी भी पर्सन ने क्या किया, 1000 क्या किया, शेयर को परचेज किया, और हर एक शेयर कितने का था, 10 का था, तो कितना हो गया, तो वो इंडिविजुअल क्या है, बस 10,000 के ही लाइबिलिटी तक लिमिटेड है. उससे ज़्यादा उसके वो लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए कैपेबल नहीं है. नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो देर आर वेरियस एडवांटेजेस एज वेल एज द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी. कि जो भी लाइबिलिटी होती है मेंबर की, वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल. जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी में, उतने तक ही उनका क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. द लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट्स मैनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी. जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसका क्या है, वो अट्रैक्ट करता है डिफरेंट अदर इन्वेस्टर्स को, कि वो भी अपना मनी को इन्वेस्ट करें इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में. एज इन केस ऑफ लॉस, द क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स. कि अगर लॉस की कंडीशन हो जाएगी, तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो क्या है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्या है, क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. सो द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी ईजली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट. जो भी कंपनी के शेयर होते हैं वो क्या है, ईजली बॉट भी और सोल्ड होते हैं मार्केट में. इफ़ द ओनर ऑफ द शेयर इज इन नीड ऑफ द कैश. अगर जो भी शेयर्स है उसका कोई ओनर है, फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, उसका कोई शेयर है, शेयर्स है, तो उसका अगर उसका ओनर रतन टाटा अगर ये चाह रहे हैं कि वो अपने सारे शेयर्स को सोल्ड आउट करके, उनको मनी की ज़रूरत है,
वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को सोल्ड भी कर सकते हैं एंड देन ईजली ही कैन गेट कैश। ठीक है, तो इफ़ दी ओनर ऑफ द शेयर इज़ इन नीड ऑफ कैश, अगर जो ओनर है शेयर्स के उसको नीड है कैश की, तो ही कैन ईजली सेल दी शेयर्स, वो अपने शेयर्स को क्या कर सकता है, ईजली शेयर सेल कर सकता है एंड गेट कैश, कैश ले सकता है। द ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो ईजी ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स का, जो ट्रांसफ़र हम कर ले रहे हैं शेयर्स को, ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी मीन्स कि विच इज़ ईजली टर्न इन टू द कैश, जो कैश में ईजली क्या है, टर्न हो सकता है। सो एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश। ठीक है, किसी भी टाइम जो शेयर के इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज टू बाई द शेयर ऑफ द अदर कंपनी। और वही अमाउंट क्या है, कोई भी इन्वेस्टर क्या कर सकता है, किसी और कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, जो कंपनी फॉर्म है वो परपेचुअल सक्सेशन को भी इंजॉय करती है एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस। इनका क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉ, ये क्या है, लॉ के थ्रू फॉर्म होती है एंड कैन एंड बाय द लीगल प्रोसीजर ऑफ द बाइंडिंग अप ओनली। और ये कैसे एंड हो सकती है, बाय द लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर के ही थ्रू हम इसको एंड भी कर सकते हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी डेथ हो गई है मेंबर की, या इंसॉल्वेंसी है या इनकैपेसिटी है, तो उसकी वजह से बिजनेस फॉर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी एंड नहीं होगी। ठीक है, वो स्टार्ट भी लॉ के थ्रू हुई थी और एंड भी क्या है, लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही एंड होगी। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ और एक्सपेंशन का, कि कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, ज़्यादा ग्रोथ भी है, उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई। जो कंपनी है उसके लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो भी हाई होता है। दे कैन ईजली यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्रूड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है, रिटेन्ड प्रॉफिट होता है जैसे कोई भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो जितना भी उसके क्रेडिटर से पैसा ली, जहाँ जहाँ उसको पैसा पेड करना था वो कर दिया, उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। सो दे कैन ईजली यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो कंपनी क्या करती है, अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जो भी रिटेन्ड प्रॉफिट है वो उसको यूज़ करती है फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एज इट्स डिस्पोजल। जो कंपनी का फॉर्म बिजनेस है उसमें क्या ह्यूज फंड की नीड होती है। इट कैन ईजली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू परफॉर्म मैनेजीरियल एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या है, ह्यूज फंड ऑलरेडी होता है, तो दे कैन ऑल्सो अफोर्ड, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो उनको हायर कर सके प्रोफेशनल को। द एक्सपर्ट एंड द स्पेशलाइज पीपल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द वर्किंग ऑफ द कंपनी। जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलाइज पीपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं, कंपनी की वर्किंग और एफिशिएंसी दोनों को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो बिगेस्ट एडवांटेज है कंपनी फॉर्म का ये है कि वो लोग लार्ज अमाउंट में कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं बाई इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। जो पीपल हैं जिनकी सेविंग क्या है, स्मॉल है, वो भी क्या है, कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ वेरी स्मॉल। जो वैल्यू है शेयर की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। अपार्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल,
द कंपनी कैन कलेक्ट फंड बाई रेजिंग लोन्स, शेयर कैपिटल से जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, फंड को भी कलेक्ट कर सकती है बाय द रेजिंग लोन। लोन को कहाँ से रेज करेगी, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक से हो सकती है, तो वहाँ से क्या है वो लोन को भी रेज कर सकती है, एंड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज को इशू करके जो भी कंपनी है वो लोन भी ले सकती है। इसलिए इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होती है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डीमेरिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन, सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जो फॉर्मेशन है कंपनी का उसमें क्या है, बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कम्प्लीटेड, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करना पड़ता है। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर भी करना पड़ता है एंड देन ऑल्सो सबमिट। वेरियस परमिशन हैव टू बी ऑब्टेन्ड, बहुत सारी परमिशन भी लेनी पड़ती है। टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट्स आर हायर, इन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपर्ट है उनको हायर किया जाता है। वो चार्जेस हाई फीस, जो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड टू दी रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रेशन भी अगर कोई कंपनी करा रही है वो भी क्या है एकदम मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट में 1956 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी क्या है पेमेंट रजिस्ट्रार को भी पेमेंट करना पड़ता है फीस एज अ फीस। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी, सो एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग द कंपनी इज रिक्वायर टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कंपनी को क्या है इज रिक्वायर कि वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कि जो भी ऑफिस है रजिस्ट्रार का उसको सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, और वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है जनरल पब्लिक को भी मिल जाती है। सो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी, इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपनी सीक्रेसी को मेंटेन किए अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, जो भी इनके ऑपरेशन की जो भी डिफरेंट वे है कि वो कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है वो कंपनी जनरल पब्लिक के साथ शेयर हो जाता है, तो उनकी जो सीक्रेसी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, सो कंपनी इज नॉट मैनेज बाय द ओनर्स बट इट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। जो कंपनी है इट इज नॉट मैनेज बाय द ओनर्स, उसको ओनर्स उसको मैनेज नहीं करते, इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स मैनेजर, इसको प्रोफेशनल मैनेजर क्या करते हैं मैनेज करते हैं। दीज मैनेजर गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज, ये जो मैनेजर है वो क्या है सैलरी लेते हैं अपनी सारी सर्विसेज के लिए। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवॉर्ड, अब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट एंड रिवॉर्ड में, क्योंकि एफर्ट कौन कर रहा है डिफरेंट मैनेजर्स कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है ओनर को हो रहा है, तो एफर्ट और रिवॉर्ड में क्या है एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि पूरी मेहनत पूरा लेबर पूरी वो कौन कर रहा है मैनेजर्स कर रहे हैं डिफरेंट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कौन कर रहा है रिवॉर्ड कौन ले रहा है ओनर ले रहा है। सो द इंक्रीज इन द कंपनी प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द मैनेजर, कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इट डजंट मीन कि जो मैनेजर हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। हेंस देर इज लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली, तो ये क्या है यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी और इनकम नहीं मिलेगी तो वो क्या होते हैं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, एंड देर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या अभी लैकनेस होता है, एंड दी इंसेंटिव्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली, कि उनको प्रॉपरली इंसेंटिव्स भी नहीं मिलते हैं कि अगर वो एफिशिएंटली वर्क किए हैं तो उन्हें प्रॉपरली क्या उनको इंसेंटिव्स भी मिले। न्यूमरस रेगुलेशन, सो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू कंप्लाई विद द वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज एट द डिफरेंट स्टेजेस, एंड देयर इज पेनल्टी इफ द कंपनी फेल्स टू मीट एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज। ठीक है, जो कंपनी होती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या होता है बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं डिफरेंट स्टेज में जो उनको क्या करना है फॉलो करना ही पड़ता है,
एंड देयर इज पेनाल्टी इफ द कंपनी फेल्स टू मीट एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी पेनाल्टी उसको पे करना पड़ेगा जब कंपनी क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। अ कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न एन एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और एनुअल रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। सो दिस लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सीक्रेसी। कि हर दिन कोई ना कोई इंटरफेरेंस क्या करता है, जो भी कंपनी का एक सीक्रेसी है वो क्या करता है, उसको फेल कर देता है। एंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज स्पेंड, और जो मनी है और टाइम भी इस पर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिले इन डिसीजन। सो इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेता है, बोर्ड मीटिंग में ही लिया जाता है। और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, और वेरियस जो पर्सन है उनके साथ कंसल्ट भी किया जाता है। एंड वंस डिसीजन आर टेकन दीज हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन। जैसे ही कोई एक डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक को क्या है, कम्युनिकेट किया जाता है, विच इज़ अगेन अ लेंदी प्रोसेस, जो क्या है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी एट अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि लार्ज नंबर में क्या है, पीपल क्या है, वो अलग कंपनी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं, तो सब तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुँचाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज अ लेंदी प्रोसेस इन अ कंपनी। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ठीक है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक का मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव कंट्रोल ऑफ अ कंट्री या ऑफ एनी कंपनी। कि एक कंपनी में बस कुछ ही पीपल का ही क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। कहने को तो ये है कि सब लोग को क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि सबको इतनी अथॉरिटी है कि वो लोग अपना बोल सके, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जो क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं और अदर डिसीजन किसी से पूछा भी नहीं जाता है। सो ऑल्दो वी से दैट देयर इज़ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि ये बोला जाता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। अब ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो क्या है, बस पेपर पे ही एग्जिस्ट करता है। इन रियल प्रैक्टिस, इन रियल लाइफ, कंपनी इज इन हैंड एंड कंट्रोल ऑफ अ फ्यू पीपल। कंपनी क्या है, बस कुछ फ्यू पीपल के ही कंट्रोल में है, सारे लोग के कंट्रोल में नहीं है। सारा जो कंट्रोल कौन कर रहा है, कुछ फ्यू पीपल ही कर रहे हैं, लाइक डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, वही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। द डायरेक्टर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी, जो डायरेक्टर है उसके पास क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी का। दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन, यही पीपल जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं वही क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द बेनिफिट, अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं। एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द अदर कंपनी, और वो क्या करते हैं, जो भी अदर शेयर्स होल्डर हैं उनकी जो भी इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो कंपनी के वो है इंटरेस्ट है वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, बस अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही वो सारे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। सो इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, सच एज शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर एक्सेट्रा। कि कोई भी कंपनी में क्या है, डिफरेंट वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। सो ईच ग्रुप हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, हर एक ग्रुप का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई शेयर होल्डर क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले या डिविडेंड मिले, डिबेंचर होल्डर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सैलरी उसकी ज़्यादा हो। तो हर एक का क्या है, अपना अपना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर होल्डर वॉन्ट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज़। कि जो भी डिबेंचर होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं कि
उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको ज़्यादा मिले। शेयर होल्डर चाहते हैं वॉन्ट टू रिड्यूस इट सो दैट लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर, और शेयर होल्डर यही चाहते हैं कि जो भी डिबेंचर होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है वो कम हो जाए। अगर वो कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको डिविडेंड क्या होगा, शेयर होल्डर को ज़्यादा मिलेगा। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस ग्रुप। तो उसमें एक ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वेरियस ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर ग्रुप ऑफ, एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रॉफिट को अर्न करे। ओके, सो इट इज़ ऑल योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द कंपनी। ओके सॉरी, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो कंपनी होती है वो फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकेंड वन इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड वन इज़ वन पर्सन कंपनी। ओके, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर दी सेक्शन 268 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज इट प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि जिस कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख हो और इतना हाई हो कि जो भी कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया उतना ज़्यादा होना चाहिए। सो रिस्ट्रिक्ट द राइट, इट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो भी अपना राइट, जो भी राइट है ट्रांसफ़र करने का इस शेयर को, वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, जिसमें मिनिमम क्या है 2 मेंबर चाहिए एंड मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज़। कि जो भी प्रेजेंट में हैं और जो पास्ट में एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फ्रॉम एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इन्विटेशन, कोई भी पब्लिक कोई इन्विटेशन नहीं कर सकता कि आप क्या करें कि सब्सक्राइब करिए एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी की सिक्योरिटीज़ में क्या करें वो आप सब्सक्राइब करें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो कॉम्प्लिकेटेड लाइन ना, ये पब्लिक कंपनी वही है जिसमें जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो एज़ पर द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी इज़ द वन। तो पब्लिक कंपनी कौन सी हुई, पब्लिक कंपनी हुई जिसमें मिनिमम क्या है आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड नॉट प्रोहिबिटेड टू इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। और इसमें क्या है कि जनरल पब्लिक को क्या है, कोई भी ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि वो जनरल पब्लिक को क्या है इनवाइट नहीं कर सकते हैं फॉर दी सिक्योरिटीज। ठीक है, सो हाउएवर इफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द पब्लिक कंपनी। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी के साथ काम करी, सब्सिडियरी है, तो उसको भी हम लोग पब्लिक कंपनी ही क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी ही बोलेंगे। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू बाई द मेमोरेंडम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, इट इज़ लिमिटेड बाई द मेमोरेंडम। कि उसके नोट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें डिटेल दिया है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप। कि अगर क्या है कि अगर कंपनी का वाइंड अप की कंडीशन आ गई है, वाइंड अप होने वाला है, बंद होने वाला है कंपनी, तो उस कंडीशन पे वो अपने असेट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, कंपनी लिमिटेड है बाई गारंटी, कि उनकी लाइबिलिटी क्या है उतनी ही लिमिटेड है। नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स।
सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाई इट्स द मेमोरेंडम ऑफ अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम. सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, कि जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या है, लिमिटेड है, बाय द मेमोरेंडम, कि जितना जो भी मेमोरेंडम में जो उनका कंपनी का वो होता है, जो सारा जिसमें उनका सारे रूल्स रेगुलेशंस रिटन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी के जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है जो मेंबर्स होते हैं. इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, कि अगर क्या है कि वो लोग शेयर्स पे क्या है कोई भी अनपेड करते हैं. नेक्स्ट है आपका वन पर्सन कंपनी. सो द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट. ठीक है, जो 2013 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या था, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, कि आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा द 2013 एक्ट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी अ वन पर्सन, कि आप पब्लिक और प्राइवेट की जगह आप क्या कर सकते हो, एक वन पर्सन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, OPC इन शॉर्ट. सो एन OPC मीन अ कंपनी विथ ओनली वन पर्सन, जिसमें क्या होता है OPC जिसमें क्या होते हैं बस वन पर्सन होते हैं, एंड इट्स एज अ मेम्बर उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया, वन पर्सन कंपनी OPC. सो रिक्वायरमेंट, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सो रूल 3 of 1 प्रोवाइड्स दैट द ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC. ठीक है, कोई भी इंडिया का कोई सिटीजन है या कोई रेसिडेंट है इंडिया का, बस वही एलिजिबल है कि वो OPC वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. अब कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कर करके बहुत सारी कंपनी को स्टार्ट कर ले, कि वो डिफरेंट, बस एक ही वो उस एक ही कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज OPC टू कंपल्सरी कन्वर्ट इट्सेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सर्टेन. समटाइम्स क्या होता है कि OPC वन पर्सन कंपनी को कंपल्सरी हो जाता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या करे, कन्वर्ट करे, वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन OPC एक्सीड 50 लाख रुपीज़, जिसमें क्या है जो पेड अप शेयर कैपिटल है OPC का वो एक्सीड करे 50 लाख से, और जो एनुअल टर्नओवर है वो क्या ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़, और वो 2 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर इंक्रीज करे, इट्स शैल सीज टू बी इंटाइटल टू कंटिन्यू एज अ वन पर्सन कंपनी. फिर क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है, वन पर्सन कंपनी की तरह वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. कि नेक्स्ट वन इज द प्रिविलेज और द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी, कि क्या ऐसे प्रिविलेज और बेनिफिट मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी. तो फर्स्ट है आपका कि अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली 2 मेंबर्स. जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, 2 मेंबर के साथ बन सकती है, वेयर एटलीस्ट आपको पब्लिक कंपनी में क्या है, एटलीस्ट आपको 7 मेंबर चाहिए ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर. अब प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, वेयर एज पब्लिक कंपनी में क्या है, मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में क्या कह रहा है कि 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए. थर्ड वन इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, कि जो भी इंडेक्स है कि उनके टाइम, उनका जो भी डिटेल्स है, सारा पर्सनल डिटेल्स से लेके, तो ये कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रिपेयर करे, बट इट इज़ मैंडेटरी इन दी पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी में ये एकदम मैंडेटरी है कि वो पब्लिक कंपनी क्या करे, इंडेक्स को प्रिपेयर करे. अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू द डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है वो लोन इशू कर सकती है अब इस डायरेक्टर को बिना कोई परमिशन गवर्नमेंट के लिए, बट पब्लिक कंपनी में क्या है कि वो लोग कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. तो वो बिफोर गिविंग द लोन टू ए डायरेक्टर दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग
एंड दी फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार, कि ये कंपल्सरी नहीं है कोई भी प्राइवेट कंपनी के लिए वो कंपनी क्या मीटिंग कराए और रिपोर्ट क्या है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करे, बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ एसेंशियल. नेक्स्ट वन इज देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, कि कोई भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उनको रिम्यूनरेशन जो सैलरी होगी वो कैसी होगी. बट देर आर मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट, बट पब्लिक कंपनी में क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है अपॉइंटमेंट से लेके उनके कितने नंबर होंगे, रिम्यूनरेशन डायरेक्टर का कैसा होगा, तो ये सारा क्या है उससे रिलेटेड है. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस, ये प्राइवेट कंपनी के लिए इशू नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करके जो भी जनरल पब्लिक को वो क्या करें, कॉल करे कि वो लोग उनकी जो सिक्योरिटीज़ को परचेस करें, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, ये एसेंशियल है. सो प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो भी प्राइवेट कंपनी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको कोई भी सर्टिफिकेट मिला उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं. बट पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बट जो पब्लिक कंपनी है उनको जब तक भी ये सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का नहीं मिल जाता तब तक